बच्चे हैं इसमें? नहीं बोलना पड़ेगा, जाएंगे ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस नमन, हेलो। आपको लिंक मिल गई थी अमन? क्योंकि मैं फ्रेश स्ट्रीमिंग कर रहा हूं। जल्दी जल्दी आए। तो कल जहां तक अपन ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिनको अभी भी नहीं मिल रहा है वो फ्रेश स्ट्रीम में आ जाएं। कल अपन ने ओव्यूल का डिस्कशन किया था। एम आई ऑडिबल टू ऑल? सबको मेरी आवाज आ रही है? पहले ये चेक कर लो। एक तो कल अपन ने ओव्यूल का डिस्कशन किया था, कंसाइज करते हैं। कुछ टेक्निकल एरर के कारण अपन लोगों ने उसको पूरा वो नहीं देख पाया। इतने पार्ट पॉइंट तक अपन आए थे कि भाई ये नीचे प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहेगा, क्लियर। ऊपर का एक पोल अपन ने लेबल कर दिया था चैलेजल पोल के तौर पर। नीचे अपन ने एक पोल अपन को मिल गया था माइक्रोपाइलर, क्लियर। देन ये अपन ने देखा था दो प्रोटेक्टिव एनवलप्स रहते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी यदि आप देखे ओव्यूल के डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिखा हुआ मिलेगा एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसे भी हैं एंजियोस्पर्म में जहां एक प्रोटीन मिलता है। बट आपको ये याद रखना है टिपिकल एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल में दो इंटेगुमेंट मिलते हैं, ठीक। तो ये बाइटेक्निक जो अपन ने टिपिकल स्ट्रक्चर लिखा था, तो ये अपना बन गया, यहां से अपन ने लेबल कर लिया इसको इंटेगुमेंट, और ये अपना आ गया जंक्शन जहां पर बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज करेगा, दैट विल बी लेबल्ड एज दी हाइलम, क्लियर। और इसको आप चाहे तो बिल्कुल ऐसे समझे कि भाई ये पीछे तक यहां तक एक्चुअली मूव करता है। नाउ कमिंग डाउन टू यहां पर बीच का मास जो रहता है, दिस मास, जैसे अपन एक मास ऑफ होमोजेनस मास ऑफ टिश्यू अपन देखते थे जिसको अपन स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते थे इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम,
वैसे ही यहाँ पर ये जो मास ऑफ टिश्यू है दिस इज लेबल्ड एज द न्यूक्लियस एंड दिस इज डिप्लॉइड. क्लियर? नाउ चूंकि ये अगर आप ले तो ये फीमेल पार्ट है, शी इज गोइंग टू एक्ट एज अ मदर, सो इसके पास खाना भी होना चाहिए खिलाने के लिए. तो म्यूसिलस जो है इसके पास यू विल गेट अबंडेंट फूड रिजर्व, भरपूर खाना भर भर के मम्मी के पास रहता है ताकि वो आने वाले अपनी जितनी जनरेशन या जितने गैमेटोफाइट बनने वाले उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके. नाउ कमिंग डाउन टू अब यहां से मेन चीज यहां से एक लेते हुए चलिए, ये जो न्यूसिलस के सेल्स रहते हैं, न्यूसिलस के सेल्स हैं जहां मास ऑफ सेल्स है जिनके पास अबंडेंट फूड रिजर्व है, यहां से एक फंडा समझेंगे, समरी में एक लिखा हुआ मिलेगा. इसी न्यूसिलस में डिफरेंशिएट होता है, इसी न्यूसिलस पे डिफरेंशिएट होता है आर्किस्पोरियम. एनीवन इज हैविंग आइडिया ऑफ आर्किस्पोरियम क्या होता है, किसी को पता है तो तुरंत लिखे आर्किस्पोरियम क्या होता है. यस नमन, आर्किस्पोरियम जल्दी जल्दी कमेंट करें. आर्किस्पोरियम समरी में देखेंगे तो बकायदा ओव्यूल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा. आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट्स फ्रॉम दी बहुत बढ़िया बेटा नमन, वी विल एग्जैक्टली आर्किस्पोरियम पे अपन दो चीजें बात करते हैं. आर्किस्पोरियम पहली जो चीज याद रखना, आर्किस्पोरियम का साइज बड़ा रहता है, आर्किस्पोरियम जो रहता है वो डिप्लॉइड होता है, आर्किस्पोरियम में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है. यस सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम विच फोर मदर सेल्स डेवलप. यस कृष्ण चंद्र यू आर बिट राइट, बट क्या है हम लोग ओव्यूल को एक्चुअली भी दो टाइप पे डिस्कस करते हैं, इसलिए अपन एक ऐसे पॉइंट पर आएंगे जहां पर अपन एनसीईआरटी के हिसाब से भी उसको फॉलो करते हुए चले. तो लेट मी कंप्लीट दिस. आर्किस्पोरियम इज एक्चुअली सेल विच इज एक्चुअली हैविंग अ डेंसर साइटोप्लाज्म, लार्जर साइज एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. क्लियर? सो यहां पर अपन बिल्कुल कॉन्सिडर करते क्या है, दो कंडीशन है जैसे कृष्णचंद्र ने वहां पर लिखा. देर आर टू केसेस. नंबर वन केस, व्हाट इज एक्चुअली आर्किस्पोरियम इज, आपको सीधा एक लाइन में आंसर याद रखना है. आर्किस्पोरियम इज अ सिंगल सेल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूसिलर हाइपोडर्मिस. आपके सामने ये सवाल आ सकता है, आपको ऑप्शंस कैसे कैसे बनेंगे. आर्किस्पोरियम इज अ सिंगल सेल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूसिलर एपिडर्मिस. नंबर टू ऑप्शन, सिंगल सेल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूसिलर हाइपोडर्मिस. तीसरा ऑप्शन, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम न्यूसिलर एपिडर्मिस. एंड चौथा ऑप्शन, मल्टी सेलुलर सेल अराइजिंग फ्रॉम न्यूसिलस हाइपोडर्मिस. चारों ऑप्शन क्लियर है, चार ऑप्शन मैंने बताए. अब इसमें आंसर एक ही आपको याद रखना है, आर्किस्पोरियम इज अ सिंगल सेल विच अराइजेस फ्रॉम दी न्यूसिलस हाइपोडर्मिस. क्लियर है? तो आर्किस्पोरियम के लिए मैं एक बिल्कुल लिख दूंगा, इट इज अ सिंगल सेल विच अराइजेस from न्यूसिलर hypodermis. ग्रुप्स ऑफ सेल की भी कहानी होती है जहां पर बहुत सारे सेल रहती है जिनमें से एक कोई होती है जो मदर सेल का काम करती है. हम यहां पर एक ऐसा केस लेके चल रहे हैं कि आर्किस्पोरियम में कोई एक सेल होगा, मतलब यहां पर कोई एक सेल होगा जो कि एक्चुअली एक्ट करेगा मदर सेल के जैसा. तो आर्किस्पोरियम के लिए आपको दो चीजें क्लियर रहे एकदम. एक पहला, आर्किस्पोरियम इज अ सिंगल सेल विच डेवलप फ्रॉम दी न्यूसिलर हाइपोडर्मिस. अगेन आई एम कोटिंग दी लाइन, समरी में जहां पर है आप वहां पर आर्किस्पोरियम के लिए लिख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में यही लाइन जा रही है. तो एक्चुअली ओव्यूल के दो टाइप होते हैं, एक क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल होता है और एक टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल होता है. हाँ, एनसीईआरटी की लाइन और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो एक्चुअली टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल की. एक्चुअली जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी में वो इस ओव्यूल के लिए एक्चुअली है कि जहां पर एक सेल ही होता है आर्किस्पोरियम सिंगल सेल फ्रॉम न्यूसिलर हाइपोडर्मिस. और जो कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं ग्रुप्स ऑफ सेल,
वो एक्चुअली ग्रुप्स ऑफ सेल की कहानी या मास ऑफ सेल की कहानी इस ओव्यूल के लिए निकल जाती है। क्रेसी म्यूसिलेट ओव्यूल क्लियर है, सबको क्लियर है आर्किस्पोरियम पे। नाउ व्हाट यू कंसीडर नाउ एस की, अब आप आर्किस्पोरियम को मान के चले कि ये मेगास्पोर मदर सेल ही बनेगी, ठीक है। तो ये सिंगल सेल था, इसी आर्किस्पोरियम से एक्चुअली बन जाएगा कौन, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल विल लेटर गो अंडरगो मियोसिस। देखिए एक क्वेश्चन है जो हम लोग कॉमनली देखते हैं और हमको लिखा हुआ क्या मिलता है, हमको किताबों में कहीं नहीं लिखता, स्ट्रेट फॉरवर्ड कई जगह पर तो नहीं लिखता कि मियोसिस, वहां लिखता है रिडक्शनल डिवीजन। तो आपको याद रखना है मियोसिस इज कंसीडर्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस इज नॉट कंसीडर्ड एज द मल्टीप्लिकेशनल डिवीजन। क्लियर बात समझ में आ रही है, मियोसिस इज नॉट कंसीडर्ड एज द मल्टीप्लिकेशनल डिवीजन, मियोसिस इज कंसीडर्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन। मल्टीप्लिकेशनल डिवीजन इफ यू नीड टू आंसर वो माइटोसिस के लिए आप बिल्कुल तैयार रखें। तो आपके सामने दो चीजें ध्यान रखें, यहां पर रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन से बनेगा क्या मेगास्पोर, क्लियर। एंड मेगास्पोर इन्हीं मेगास्पोर में से आगे चल करके बन जाएगा एक्चुअली क्या एम्ब्रियो सैक, इसी मेगास्पोर से आगे चल करके डेवलप हो जाएगा क्या एम्ब्रियो सैक। तो अपने पास पाथ बिल्कुल क्लियर है, आपको ये सिक्वेंस भी एक क्वेश्चन में मिल सकता है। जैसे आपको हर साल ये सवाल आता है स्पर्म का डायरेक्शन तय करें या ओवम का सीरीज तय करे, ओजेनेसिस की सीरीज को तय करे, वैसे आपको एक जो मिल सकता है वो यहां पर मिल सकता है। इसलिए ध्यान दें, एक मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से रिडक्शनल डिवीजन, या आर्किस्पोरियम से मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन से चार मेगास्पोर, चार में से कोई एक अपन जानते फंक्शनल रहेगा, वो एक फंक्शनल मेगास्पोर जो रहेगा वो आगे चल करके बन जाएगा क्या एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक पॉलन ग्रेन इज कंसीडर्ड एज द मेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक इज कंसीडर्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर बात आ रही है, और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप फिलहाल इस स्थिति में इन टर्म्स के ऊपर जाएं, ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन आप अब याद रखेंगे आर्किस्पोरियम एक सिंगल सेल लेंगे जिससे एक्चुअली जो आगे चल करके जिससे एक्चुअली मेगास्पोर मदर सेल बनने वाला है। क्लियर है ना, आगे बढ़ा जाए इस पर। तो यहां पर मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस अंडरगो किया और मेगास्पोर्स बनाए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर बाय रिडक्शनल डिवीजन फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर है, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर बाय रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर बात है ना। नाउ इस पे अगली चीज एक ध्यान रखे कि भाई जैसे मैंने कल बोला कि एक में आपको हो सकता है एक फ्लावर में एक से ज्यादा ओवरी मिल जाए, बिल्कुल ठीक है। एक ओवरी में यह भी हो सकता है एक या एक से ज्यादा ओव्यूल मिल जाए, लेकिन अपन ने एक बात क्लैरिफाई कर दी थी कि एक ओव्यूल के अंदर में आपको एक ही एम्ब्रियो सैक यूजुअली मिलता है। क्लियर है, तो यहां पर एक ओव्यूल एक एम्ब्रियो सैक की ही कहानी है ये पूरी। तो ये ओव्यूल जनरली आपका सिंगल एम्ब्रियो सैक, एंड दिस सिंगल एम्ब्रियो सैक इन टिपिकली दे आर गोइंग टू डेवलप फ्रॉम सिंगल सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। क्लियर है, तो कैसे याद रखें, एक मेगास्पोर मदर सेल चार मेगास्पोर देगी, तीन डीजनरेट एक फंक्शनल, अपन उस पर भी आएंगे, और एक फंक्शनल मेगास्पोर विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। क्लियर है, नाउ विल कम डाउन टू कि अब ये चीजें अगर देखे कि ये मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर अगर बनने की कहानी अगर देखे, नाउ कम डाउन टू दी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल की अगर बात करें, मेगास्पोर मदर सेल जनरली डिफरेंशिएट इन दी इन माइक्रोपाइलरिन। ये सारे ना बारीक डिटेल है, याद रखने चाहिए कि जनरली दी मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट्स इन दी माइक्रोपाइलरिन।
अब मेगास्पोर मदर सेल क्या है, फीचर बता सकते? इतने दिनों में एक चीज तो समझ में आई, अपन कहीं पर भी कोई चीज का डिवीजन करवा रहे हैं, पहला फीचर क्या होगा? एनीवन, मेगास्पोर मदर सेल के तीन फीचर हमको याद रखने हैं, मेगास्पोर मदर सेल के तीन फीचर याद रखने हैं। तीन फीचर में से आप मुझे एक फीचर बताइए, पहला फीचर बताइए, कमेंट करें जल्दी जल्दी। मेगास्पोर मदर सेल का एक फीचर जल्दी जल्दी। नमन, शांति प्रिया, कृष्णचंद्र, एनीवन एनीवन एनीवन, इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ टंग, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज साइज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्लियर है? तो मेगास्पोर मदर सेल का फीचर, ये फीचर बिल्कुल कोरिलेट करने के लिए इजी है। आप एनसीईआरटी में अपने अगर डायग्राम को देखें, एनसीईआरटी में देखिए आपको एक डायग्राम बना हुआ मिल जाएगा, जहां पर आप ऐसे डायग्राम को देखते हैं, आप उसी डायग्राम को यदि देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली चीजें कैसी है। ये ऐसा है, उन डायग्राम्स पे यदि आप देखें तो वो सेल्स अरेंज्ड है, ये सारे सेल्स अरेंज्ड है और बकायदा आपको लिखा हुआ वहां पर मिलेगा, दिस इज योर मेगास्पोर मदर सेल। ठीक बात है? ये सिंगल एक, देखिए साइज भी बड़ा है, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस बड़ा है। दिस विल अंडरगो मियोसिस वन, मियोसिस वन अंडरगो करेगी, और मियोसिस वन अंडरगो करने के बाद, मियोसिस वन अंडरगो करने के बाद अगर हम देखें तो देखिए वापस आपको ये क्लियर होना चाहिए, मियोसिस वन अंडरगो करने के बाद आपको क्या मिल गया, कौन सा स्टेज आ गया, मेगास्पोर का डायार्ड स्टेज। देन मियोसिस टू भी अंडरगो करवाइए, मियोसिस टू भी अंडरगो करवाइए, एक दो तीन, एक दो तीन चार बाहर बनाए, एंड दिस इज मेगास्पोर टेट्राड स्टेज। कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? तो आप बोलेंगे लीनियर टेट्राड। तो आप बिल्कुल याद रखिए, यूजुअली 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 इन एंजियोस्पर्म्स, यूजुअली इन एंजियोस्पर्म्स द टेट्राड इज, यूजुअली इन एंजियोस्पर्म्स द टेट्राड इज लीनियर। क्लियर है? दो चीजें याद रखनी है, पॉलन में टेट्राड, टेट्राहेड्रल मोस्ट कॉमनली, यहां पर लीनियर। क्लियर? तो लीनियर टेट्राड बन गया, चार मेगास्पोर बन गया, चारों मेगास्पोर की प्रोडिक पहले तय करें, चारों मेगास्पोर जो रहेंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे, चारों मेगास्पोर जो रहेंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे, तो हैप्लॉइड मेगास्पोर तो बन गए और एक लीनियर टेट्राड बन गया। अब इनका भविष्य क्या हो, अब तेरा क्या होगा कालिया वाली कहानी, अब तेरा क्या होगा कालिया वाली कहानी यदि लेंगे, अब तेरा क्या होगा कालिया वाली कहानी लेके। बेटा मेगास्पोरोसाइट आप जो बोल रहे हैं ना, मेगास्पोर मदर सेल को ही मेगास्पोरोसाइट हम कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। कोई भी सेल जो मियोसिस अंडरगो करता है, कोई भी सेल जो मियोसिस अंडरगो करता है, उन सेल्स को हम लोग टर्म करते हैं मियोसाइट। एनी डिप्लॉयड सेल विच अंडरगोस मियोसिस इज टर्म्ड एज द मियोसाइट। नाउ यहां दो टाइप आ जाएगा, a diploid cell, a myocyte which is to be undergo the microsporogenesis called as microsporocyte. मतलब जो pollen mother cell होती है, we label it as a microsporocyte. And the megaspore mother cell is labeled as the megasporocyte. तो ये जो megaspore mother cell है, आप इसी को actually megasporocyte बोल सकते हो। Clear है? Now, coming now to आपको linear tetrad मिल गया। अब क्या होगा इसके साथ? तो इसके साथ ये होगा कि हम ये जानते हैं तीन मेगास्पोर डीजनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल रह जाएगा।
वो तीन मेगास्पोर जो डीजनरेट करने वाले, जाकर के अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से देखिएगा, वो यहाँ पर माइक्रोपायलरेंट लेता है, यहाँ चैलेसलेंट लेता, ये माइक्रोपायलरेंट हो गया, ये चैलेसलेंट हो गया, ये माइक्रोपायलरेंट हो गया, ये चैलेसलेंट हो गया, ये कहानी ठीक है। तो क्या लेना है आपको, ये समझेंगे कि एक्चुअली तीन, कौन सा तीन डीजनरेट और कौन सा एक फंक्शनल रहे। जनरली एक जो फंक्शनल रहता है, जनरली फिर से बोल रहा हूं, जनरली जो एक फंक्शनल रहता है वो चैलेसलेंट वाला रहता है, बाकी तीन मतलब कौन से एंड वाले, माइक्रोपायलर एंड वाले। तो माइक्रोपायलर एंड वाले तीन मेगास्पोर जो रहेंगे, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन डीजनरेट करेंगे, तीन फ्रॉम दी माइक्रोपायलर एंड, तीन फ्रॉम दी माइक्रोपायलर एंड डीजनरेट, ओनली वन रिमेन्स फंक्शनल। जनरली दी फंक्शनल मेगास्पोर इज टुवर्ड दी चैलेसलेंट, क्लियर है ये कहानी भी। जनरली दी फंक्शनल मेगास्पोर इज ऑन दी चैलेसलेंट, क्लियर है सबको। जनरली दी फंक्शनल मेगास्पोर जो होती है वो चैलेसलेंट वाली होती है, और तीन जो माइक्रोपायलर वाले रहते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, अब अपने पास कितना बचा, तो एक अपने पास बचेगा, एक अपने पास बचेगा दिमाग में, ये चलना चाहिए, कहाँ चल रहा है ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये देखिए हाइलम आ गया, यहाँ पर देखिए चैलेसलेंट की तरफ, अगर मैं ये माइक्रोपायलर एंड ले रहा हूँ, देखिए चैलेसलेंट की तरफ जो है एक फंक्शनल मेगास्पोर मिल गया, न्यूसिलस में सारी घटनाएं हो रही है, एक फंक्शनल मेगास्पोर मेरे को चैलेसलेंट की तरफ मिल चुका है। अब क्या होगा, तीन डीजनरेट किए, एक फंक्शनल रह गया, तो यही वाला फंक्शनल मेगास्पोर, इस जो बच जाएगा वो फंक्शनल मेगास्पोर, तो फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे चल करके एक्चुअली डेवलप करेगा क्या, एम्ब्रियो सैक। दिस इज अ टिपिकल वन इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से होता है, इसीलिए आप इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिकॉज एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, क्लियर। दिस एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, इसको आप क्या लिखते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, इसको एक और बोलना, इसको बोलना मेगा गैमेटोफाइट। क्वेश्चन में बनते हैं ना तो ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, मेगा गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, तो आपको क्लियर होना चाहिए, वहां ऑप्शन में एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म, ये सब डले हुए रहते हैं, ध्यान रहे मेगा गैमेटोफाइट इज एक्चुअली एम्ब्रियो सैक, पॉलन ग्रेन इज माइक्रो गैमेटोफाइट, क्लियर ना। कमिंग ऑन टू, तो एक हमको समझ में आ गया, टिपिकल टिपिकल एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, टिपिकल एंजियोस्पर्म में एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। ऑल इंडिया ने, मैं मानता हूं 2013 से लेकर के 2017-18 तक इस ही लाइन को कम से कम 3-4 बार पूछा है, लेकिन वो हर बार उल्टे तरीके से पूछता है, कई बार ये पूछता है कि एम्ब्रियो सैक किससे डेवलप होता है, कई बार ये पूछता है कि फंक्शनल मेगास्पोर से क्या डेवलप होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये लाइन आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, ऐसे सवाल के 4 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, क्लियर। तो अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, पॉलन ग्रेन इज माइक्रो गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन इज माइक्रो गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक इज मेगा गैमेटोफाइट, क्लियर ना। कम डाउन टू हियर, तो ये मेगा गैमेटोफाइट या इसका डिस्क्रिप्शन आप देखते, चलिए एक सेल को देखते हैं, ये सेल, इस सेल को बाहर निकाल लेता हूं, इस सेल को बाहर निकाल लेता हूं, ये निकाल लिया मैंने बाहर, ये सेल कुछ ऐसा दिखता है, ये सेल कुछ ऐसा दिखता है, क्या बोलेंगे ये क्या है सर, आप बोलेंगे अभी ये क्या है, सिंगल सेल्ड है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, सिंगल सेल्ड है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, इसकी साइज थोड़ी बढ़ती है और बढ़ करके थोड़ा सा न्यूक्लियस में ही फैलता है, क्लियर। इस सेल में, इस सेल में होगा फर्स्ट माइटोसिस, यहां पर माइटोसिस खास होगा, हम उस पर अलग से आएंगे,
तो ये होगा फर्स्ट माइटोसिस, और ये सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लिएटेड वाला जो रहेगा ये अब बन जाएगा क्या, ये अब बन जाएगा क्या, कौन से स्टेज पे आ जाएगा, एक ही सेल रहेगा, ये टू न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई। अब हम लोग सेल नहीं लिखते हैं, अब हम लोग न्यूक्लियस को लिखते हुए चलते हैं। तो दो न्यूक्लियस की स्टेज हो गई, इस स्टेज पे क्या होता है, न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट चलता है। ये सेंटर से उठ के एक पोल में, ये सेंटर से उठ के एक पोल में। अब मैं एक काम करता हूं, पोल लेबल करता, चेलेजलेंट माइक्रोपाइलरेंट, चेलेजलेंट माइक्रोपाइलरेंट। तो वन न्यूक्लियस फ्रॉम सेंटर मूव्स टू देयर रेस्पेक्टिव पोल, मतलब अब एक एक पोल पे एक एक न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट है। एक काम करें, फिर से माइटोसिस कराएं, पोल पे तो पहुंच चुका है, पोल पे पहुंच चुका है, पोल पे पहुंचे हुए, या जिनको नहीं आ रहा वो पोल पे पहले ले जाए, पोल पे ले जाए, ये ले लिए मैं पोल पे ले आया। यहां पर अगर बोल देंगे नहीं, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोलस स्टेट, दिस इज अ बाई न्यूक्लियेट या टू न्यूक्लियेट स्टेट। ये एक पे आ गया, ये एक पे आ गया, क्लियर है, यहां पे आ गया, फिर यहां पर करवाएंगे अपन एक माइटोसिस और, कितना न्यूक्लियेट स्टेज आ गया, दो इधर के, दो इधर के, चार न्यूक्लियेट हो गया। और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो, मैं यहां से हटाता है। अगला चार न्यूक्लियेट आ गया, चार न्यूक्लियेट पे फिर से माइटोसिस करवाओ, तो एक एक पिकता हो गया, चार आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी बनता, बनाने वाले देखिए एग्जामिनर जो रहते हैं वो हर हर जगह पे आपकी एक बारीकी चेक करते हैं, यहां से देखिए बन जाता है। ये पूछ सकता है कि एट न्यूक्लियेट स्टेज जो आती है, जो इमीडिएटली डेवलप हुआ या ये एकदम फ्रेशली डेवलप या साइंगे वो फ्री न्यूक्लियर पे, तो यहां पर बात करें ये आठ न्यूक्लियेट स्टेज आ गया। अब वो पूछ सकता है सवाल, इस आठ न्यूक्लियेट का अरेंजमेंट क्या है। अभी फिलहाल अरेंजमेंट सेंटर पे जीरो, चार इन वन पोल, चार इन वन पोल आएगा, तो फोर प्लस जीरो प्लस फोर आएगा, क्लियर है बात। अगर ये इमीडिएटली डेवलप की पूछ रहे हैं, मतलब अभी एम्ब्रियो सैक नहीं बना है, अभी ये एट न्यूक्लियेटेड स्टेज है, अभी एम्ब्रियो सैक नहीं बना, एम्ब्रियो सैक पूछेगा तो कहानी आंसर हमारा लग जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू, इसके बाद एक्चुअली साइटोकाइनेसिस होगी या वॉल फॉर्मेशन होगा एकदम लास्ट पे, तो वो क्या कहानी हमारे लिए बना देगी, हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक होगा, हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक होगा, यहां पर फिर न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट होगा। व्हाट यू डू, टेक वन न्यूक्लियस फ्रॉम दिस पोल, टेक वन न्यूक्लियस फ्रॉम दिस पोल एंड मूव टू दिस सेंटर, बीच पे लेके आ जाओ उसको। तो यहां कितने बच जाएंगे, यहां पर बच जाएंगे तीन, यहां पर कितने आ जाएंगे एक दो, और यहां भी आ गए तीन, बीच में कितने आए दो, दो न्यूक्लियस आ गए। अब अरेंजमेंट क्या हो गया, तीन प्लस दो प्लस तीन, ठीक है। नाउ देयर विल बी वॉल फॉर्मेशन, देन वी विल कमिंग डाउन टू ये डिवीजन क्यों खास है। ठीक है, देखिए इस न्यूक्लियस के अराउंड में मैंने वॉल बनाया, इसमें बनाया, इसमें बनाया, मतलब ऊपर के तीन जो चेलेजलेंट के हैं उनमें वॉल फॉर्मेशन होता है, तो चेलेजल वालों में भी हो गया। नीचे के तीन माइक्रोपाइलरेंट के हैं, इनमें भी वॉल फॉर्मेशन होता, तो टोटल मिला के अभी तक कितने हो गए, छह। लेकिन इस न्यूक्लियस के अराउंड में एक अलग से नहीं बनाया, इस न्यूक्लियस के अराउंड में एक अलग से नहीं बनाया, तो मैं क्या बोलूंगा, आठ न्यूक्लियस जो बने उनमें से सिर्फ कितने में वॉल बनेगा, छह में। तो दो न्यूक्लियस ऐसे रह जाएंगे जो बीच पे सस्पेंडेड रहेंगे, क्लियर। नाउ कम डाउन टू हियर, देखिए ये बड़ा खास है, खास इसलिए है क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, जब डिवीजन एक्चुअली होता है इनमें
नॉर्मल अपन पहले से समझते हैं, नॉर्मल अपन समझते क्या है, जब भी आप कोई डिवीजन पढ़ते तो आप क्या पढ़ते, पहले पहले एक इंटरफेस हो जाता है, इंटरफेस के बाद कैरियोकाइनेसिस होती है और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। एवरीवन गेटिंग पॉइंट? इंटरफेस होता है, हर सेल इंटरफेस में एंटर करता है, अपने डीएनए कंटेंट को डबल करता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रखते हैं, कहानी तो पता है। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है, सीक्वेंशियल स्टेजेस आ जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आ जाता, देन साइटोकाइनेसिस होता। तो एक टिपिकल डिवीजन जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अ कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस टिपिकल डिवीजन, अ कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। यहां खास है क्योंकि देखिए मैंने जब पहली बार माइटोसिस करवाया वहां पर मैंने कोई साइटोकाइनेसिस नहीं करवाई, फिर दोबारा करवाया तो भी नहीं करवाई, तिबारा करवाया तो भी नहीं करवाई। मतलब एक है कि इस माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस वाज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय अ साइटोकाइनेसिस। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर कैरियोकाइनेसिस वाज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। सच डिवीजन, सच दिस इज अ वेरिएशन, दिस इज अ वेरिएंट ऑफ अ माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस के अलग अलग टाइप है, जैसे एक में क्या होता है, एक माइटोसिस जो टैपिटम में चली, टैपिटम की यदि माइटोसिस याद हो तो मैंने बोला था सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता, साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं। तो वहां पर क्या हो जाता है, जहां साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं वहां पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियस तो अलग हो जाएगा, न्यूक्लियस तो हो रहा है लेकिन एक्चुअली कोई सेल नहीं बन रहा है वहां पर, इसीलिए वहां पर खाली न्यूक्लियस 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 वाली कहानी चल रही है। यहां पर क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड, अगेन आई रिपीट, इन दिस केस कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय साइटोकाइनेसिस। तो मतलब आपने क्या किया, आपने न्यूक्लियस को मौका दिया कि वो फ्रीली डिवाइड करे, एंड दैट इज व्हाई दिस वेरिएंट ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड एज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? नमन, क्लियर है? This is a case where the karyokinesis is not followed immediately by the cytokinesis. The karyo is not followed by the cytokinesis. इसीलिए nucleus freely divide करता है, इसीलिए this is called as the free nuclear division. एक variation और है, बता सकते हैं कोई? ऐसा ही कहानी आएगा। अगर केस एक जगह और है, इसी जगह पर नहीं है, मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी मुझे एक बताइए एक केस और जहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि न्यूक्लियस बहुत डिवाइड किया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। वो 11th के पोर्शन में है, चलिए हिंट दे देंगे, 11th के पोर्शन में है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है। याद आता है? फंगाई है, नारे वहां नहीं जाना, प्लाज्मोडियम नहीं बेटा, बिकॉज प्लाज्मोडियम इज नॉट अ डिवीजन, प्लाज्मोडियम इज एग्रीगेशन। योगेश साहू, स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम